हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एन टी ए यू जी सी नेट पे पो वन दो हज़ार बाईस से रिलेटेड जो मोक टेस्ट सीरीज है उसके मोक टेस्ट फिफ्टीन के बारे में जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्व एम सी क्यूज़ तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द गवर्मेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश इन नवंबर नाइनटीन फोर्टी एट यानी कि भारत सरकार ने नवंबर 1948 में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की फ्रेंड्स ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन आपको खुद रीड करने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर इनमें से ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर और कब नवंबर 1948 में इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है डैश इस्टैब्लिस्ड द कैलकटा मदरसा इन सेवनटीन फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ यानी कि किसने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए सतारह में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की इनमें से वो थे ऑप्शन ए वॉरन हेस्टिंग्स जिन्होंने इस्टैब्लिश किया कलकत्ता मदरसा को 1781 में किसके लिए मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण दोनों छात्रों और प्रशिक्षक पर केंद्रित है और सेकेंड स्टेटमेंट है टीचर सेंटर लर्निंग इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अट्रेंस यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रशिक्षक प्रत्येक छात्र के कथन की निगरानी और सुधार करता है फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी कोड सी के अकॉर्डिंग ओनली सेकेंड यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास स्टेटमेंट सेकेंड में था कि टीचर सेंटर लर्निंग इसमें जो है इंस्ट्रक्टर मॉनिटर करता है और करेक्ट करता है हर एक स्टूडेंट की जो बातचीत है अटरेंस है कथन है स्टेटमेंट उसमें सुधार करता है और निगरानी करता है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और फ्रेंड्स इसी के साथ अगर हम लर्नर सेंटर लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें बातचीत करते हैं लगातार बातचीत करते हैं बिना इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक की मॉनिटरिंग के और इसमें जो है इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है फीडबैक और करेक्शन जब भी क्वेश्चन अराइज होता है तो ये कौन सा लर्निंग है लर्नर सेंटर्ड लर्निंग इसके बाद फ्रेंड्स हमारी स्टेटमेंट जो फर्स्ट थी वो रॉन्ग थी जहाँ पर फ्रेंड्स टीचर एंड लर्नर सेंटर लर्निंग फोकस करते हैं दोनों स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर पर तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सबसे पहले टीचर सेंटर लर्निंग में फोकस किया गया है इंस्ट्रक्टर पर यानी कि प्रशिक्षक पर फोकस किया गया है टीचर सेंटर लर्निंग में और ठीक इसके ऑपोजिट जो है लर्नर सेंटर लर्निंग में फोकस किया गया है दोनों पर स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर पर यानी कि के शिक्षार्थी केंद्रित प्रशिक्षण में छात्रों और प्रशिक्षकों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है तो इस स्टेटमेंट में अगर टीचर ना होता और सिर्फ लर्नर सेंटर्ड लर्निंग फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन विच ईयर इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी कंट्री ऑफ मॉन्टल प्रोटोकॉल यानी कि भारत मॉन्टल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता देश किस वर्ष में बना इनमें से जो है भारत मॉन्टेल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता देश बना सिग्नेटरी कंट्री बना ऑप्शन सी 1992 में जहां पर फ्रेंड्स मॉन्टल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिजाइन किया गया है ओ जोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया है मॉन्टल प्रोटोकॉल को और इस पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को और कब से प्रभाव में आया 1 जनवरी 1989 से और फ्रेंड्स 2020 का थीम क्या था ओजोन फॉर लाइफ 35 फाइव ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन और हर साल वर्ल्ड ओजोन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ठीक फ्रेंड्स आपको पिछले साल के थीम के बारे में भी पता होना चाहिए वर्ल्ड ओजोन डे के तो पिछले साल का थीम क्या था मॉन्टल प्रोटोकॉल कीपिंग एंड वैक्सीन कूल तो ये पिछले साल का थीम था और इसके अलावा वर्ल्ड ओजोन डे को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज इन शॉर्ट सीओपीडी इज कॉज्ड बाय डैश क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इन शॉर्ट सीओपीडी ये किसके कारण होती है इनमें से ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के कारण होती है जहां पर सीओपीडी का कॉज क्या है टोबैको स्मोकिंग एयर पॉल्यूशन ये इसके कारण है कॉजेज हैं इसके और अदर नेम के अगर हम बारे में बात करें तो सी के और क्या नाम है सबसे पहले है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इन शॉर्ट सी कोल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज इन शॉर्ट सी क्रॉनिक ब्रॉनकाइटिस इंपेसीमा पलमनरी एम्पेसीमा ये इसके अदर नेम्स हैं किसके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज के इन शॉर्ट सी ओ के इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में जो पुअर वेंटिलेशन है कुकिंग फायरस के लिए और साथ ही साथ कोयले को जलाना बायोमास फ्यूल्स जैसे कि लकड़ी या फिर काव डंग को जलाना और साथ ही साथ इंडोर एयर पॉल्यूशन ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण हैं कॉजेज हैं किसके लिए सीओपीडी के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज़ यूज्ड टू डिस्कवर स्टूडेंट प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज और डेफिशिएंसीज़ इन अ कोर्स यानी कि डैश का उपयोग पाठ्यक्रम में छात्र की समस्याओं कठिनाइयों या कमियों की खोज करने के लिए किया जाता है इनमें से वो है ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसका उपयोग पाठ्यक्रम में छात्र की समस्याओं कठिनाइयों या कमियों की खोज करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन डैश टेस्टिंग इज़ यूज टू चेक वेदर स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड अ यूनिट ऑफ कंटेंट यानी कि किस परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि छात्रों को सामग्री की एक इकाई में महारत हासिल है या नहीं है तो इनमें से वो टेस्टिंग है ऑप्शन बी बेंच टेस्टिंग में ऐसा किया जाता है क्वेश्चन नंबर एट है डैश टेस्ट हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स मॉनिटर द प्रोग्रेस स्टूडेंट इज मेकिंग ऑन अ डेली बेसिस यानी कि कौन सा परीक्षण शिक्षकों और माता पिता को दैनिक आधार पर एक छात्र द्वारा की जा रही प्रगति की निगरानी करने में मदद करते हैं इनमें से वो परीक्षण है वो टेस्ट है ऑप्शन डी फॉर्मेटिव टेस्ट इस परीक्षण में शिक्षकों और माता पिता को दैनिक आधार पर एक छात्र द्वारा की जा रही प्रोग्रेस यानी कि प्रगति की निगरानी करने में मदद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर में आपको बताना है विच ऑफ द कॉलेज इन इंडिया वॉज सेटअप बाय लॉर्ड वेलजली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन वर्नकुलर लैंग्वेजेस यानी कि भारत के किस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलजली ने कंपनी के सिविल सेवकों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए की थी इनमें से ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया गया था लॉर्ड बेलजली द्वारा किसकी ट्रेनिंग के लिए कंपनी के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए और किन लैंग्वेजेस में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में यानी कि स्थानीय भाषाओं में इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ डैश वाज वन ऑफ़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ विद मोर देन 100 टीचर्स एंड अबाउट 1000 स्टूडेंट्स यानी कि डैश सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था जिसमें सौ से अधिक शिक्षक और लगभग एक हज़ार छात्र थे इनमें से वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी ऑप्शन डी विक्रमशिला जिसमें मोर देन जो है 100 टीचर्स थे और अबाउट जो है यानी कि लगभग 1000 छात्र थे इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवंथ विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यानी कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आवासीय निवास रखने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था इनमें से वो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी नालंदा नालंदा वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे किन के लिए दोनों के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन शॉर्ट आई एन आई यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में शामिल नहीं है इनमें से जो इंक्लूड नहीं है वो है ऑप्शन सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये इंक्लूड नहीं है किसमें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इन शॉर्ट आई में इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट नेट ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट आई ऑप्शन डी एन और एम्स ये सभी किस्में शामिल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल किसमें साइंस और एजुकेशन फील्ड में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रिसीव करते हैं प्राप्त करते हैं स्पेशल रिकोगशन और फंडिंग कहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को डेजिग्नेट किया गया है अपॉइंट किया गया है स्पेशल पोजीशन के लिए इंडिया के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा और फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल हैं सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन शॉर्ट एम्स इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट आई नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन शॉर्ट एन आई पी ई आर इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट नेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन शॉर्ट आई आई एस ई आर नेक्स्ट पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट ट्रिपल आई टी इसके बाद है स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन शॉर्ट एस पी ए नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन शॉर्ट एन आई डी और लास्ट में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शॉर्ट आई आई एम ये सभी किस में शामिल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बेनिफिट्स क्या हैं इसके कई बेनिफिट्स हैं जिनमें से कुछ इस तरह से हैं कई बेनिफिट्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में एडमिशन लेने के जैसे कि नंबर वन ये इंप्रूव करते हैं स्टैंडर्ड रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में इसके बाद नंबर सेकंड है कई जो हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं गुड सैलरी पैकेजेस के साथ नंबर थर्ड पॉइंट है दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड करते हैं कई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आउटडोर गेम्स टेक्निकल सेमिनार्स एटसेट्रा नंबर फिफ्थ पॉइंट है देर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि ट्वेल्व एम में से कितने एम को करेक्ट मार्क किया नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो